हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं दीक्षित आ गया हूँ एक नए व्लॉग के साथ, और आज आपको ले चलूँगा रोहतांग की। और रोहतांग का ही अपडेट होगा आप लोगों के लिए, और रोहतांग के कुछ व्यू भी दिखाऊंगा आज आपको। तो अभी मड़ी से थोड़ा सा ऊपर आया हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अभी इधर उधर का व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको, बढ़िया 360 व्यू दिखा दूंगा। और अभी हम चलेंगे ऊपर मड़ी में, मड़ी से पहले वाटरफॉल्स वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा आपको धीरे धीरे, कैसा यहाँ पर व्यू है और क्या आपको आजकल आना चाहिए या नहीं। आजकल वैसे बेस्ट टाइम तो है आने का, और बने रहिए ब्लॉग में, मैं दिखाता हूँ आपको आगे का व्यू। देखिए, उतना ज़्यादा आजकल क्राउड तो है नहीं है, और आने का बेस्ट टाइम भी यही है, अक्टूबर का महीना चल रहा है। आप लोग आइए, रोड की हालत तो बहुत अच्छी है रोहतांग, तो आप बड़े आराम से जा सकते हैं। और जो है आगे तो आपको वीडियो में देख ही लेंगे कि व्यू कैसा है रोहतांग में, स्नो है, कितनी दूर है, कितना पैदल चलना पड़ेगा, क्या क्या फैसिलिटी है, किसके थ्रू आप जा सकते हैं, और बच्चों की छुट्टी आ रही दिवाली दशहरे के लिए, प्लान कर सकते हैं आप नेक्स्ट। तो बने रहिए वीडियो में, मैं मिलता हूँ आपको आगे। तो इस टाइम हम मड़ी पहुंच गए हैं। तो मड़ी में जो है सिचुएशन ऐसी है कि मड़ी काफ़ी हद तक बढ़िया पॉइंट, धूप लगी एकदम बढ़िया चकाचक, और गाड़ियाँ भी चल रही है, रश उतना नहीं है, थोड़ा सा अभी सीजन टाइम ऑफ चल रहा है, तो ऐसा व्यू है यहाँ से। और ये देखिए रोहतांग पास जो हमारा दिखाई दे रहा है बिल्कुल टॉप में, ये देखिए रोहतांग पास है, ये वाला जो दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर रोहतांग पास है, और ये हाइएस्ट पीक है जहाँ पर भी हल्की फुल्की स्नो है। इसके बीच में कुछ पॉइंट है जहाँ पे स्नो है थोड़ा, 3-4 घंटे का पैदल आपको चल के जाना पड़ेगा। तो आपको जो है 3-4 घंटे जब पैदल चलेंगे तो ही आप पहुँच पाएंगे स्नो के बीच में, या तो आपको घोड़ा या फिर वो माउंटेन बाइक वगैरह कुछ करना पड़ेगा, तो वो मैं ऊपर दिखाऊंगा भी आपको कि वो कैसा रहता है वहाँ पर, और व्यू भी दिखाऊँगा आपको कैसा रहता है। तो मड़ी का ये हो गया, इसके बाद हम चलते रोहतांग की ओर। तो दोस्तों, इस लास्ट वीडियो में थोड़ा सा हवा तेज़ होने के कारण ऑडियो इतना अच्छा नहीं आ रहा था, तो इस वीडियो में मैं यही लास्ट में बोल रहा हूँ कि रोहतांग हम पहुँच गए थे, और ये पीछे का व्यू है, और जो है कि यहाँ पे आप आ सकते हैं, मौसम खुला है, बढ़िया देखिए, बिल्कुल जो है धूप लगी है और हल्की हल्की स्नोफॉल है, एक लास्ट में यहाँ पर ढाबा है, और उधर से हम आए थे नीचे सड़क में, गाड़ी खड़ानी पड़ेगी और वहाँ से चल के आना पड़ेगा। उधर आपका रोहतांग पास का बोर्ड लगा है, और आगे हम देखेंगे तो ये लाहौल की पहाड़ियां हैं, और जो कि स्नो कवर्ड है। और आज के दिन में जो है 10 आपका अक्टूबर को यहां पे स्नोफॉल भी पड़ गई है दोबारा से, तो अगर आजकल आ रहे हैं तो आपको स्नोफॉल ज़रूर मिल जाएगी रोहतांग पास में। ये वीडियो है 8 अक्टूबर की है,
इसलिए थोड़ा लेट अपलोड हो रही है। तो इस तरह का यहाँ पे व्यू है, एक नीचे झील भी है छोटी सी, और यहाँ से सब व्यू दिखता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है वैसे तो, बाकी नेक्स्ट पार्ट आने वाला है इसका, जहाँ पे आपको कोकसर और सिस्सू और ये सोलांग वैली का थोड़ा सा व्यू दिखेगा। तो स्टे ट्यून रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ गई है तो। तो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।